कलिसियापति रामचंद्र भगवान की। एक दिन वो भगवान विशंबर और मोहनी रूप धर्यो ललिता, दृष्टि पड़ी शिव शंकर की तो खलत बूंद पड़ी खलिता। जिन कान दियो उन फूंक दई, और सुत पाय लियो गौतम सुता, काहे को लाज करूं वे सखी वो कंथ को कंथ पिता को पिता। गोस्वामी तुलसीदास सिंह राव लिखे, एक दिन वो भगवान विशंबर अरके मोहनी रूप धर्यो ललिता, अरे दृष्टि पड़ी श्री शंकर की तो के खलत बूंद पड़ी है खलिता। जिन कान दियो और के उन फूंक दई, जगे कान दियो जगी पाछी जगी महाराज फूंक दीवी भगवान शंकर। जिन कान दियो उन फूंक दई और के सुत पाय लियो है गौतम सुता, जन अंजनी कहे के काए को लाज करूं ये सखी, ए सखी कारी लाज करूं, क्योंकि ओ कंत को कंत और पिता को है पिता। हनुमान हटीले रंगीले बली, हनुमान हटीले रंगीले बली, और जिन मान मथ्यो गडलंक पति को, पैठी पताली अन्यो अहिरावण, जिन देखत तेज गयो सगती को। अंजनी को पुत्र श्री राम जी को पायक, अंजनी को पुत्र श्री राम जी को पायक, अरे भी शोक हरियो मासिया सती को। अरे तुलसी संकट क्यों न कटे, तो जब ध्यान धरे हनुमान जती को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि हनुमान जी महाराज संकट मोचन है, क्योंकि हनुमान जी रो नाम ही गोपाल जी संकट मोचन है। तो महाराज की रो नाम ही संकट मोचन है, जन पस है जगो आप और संकट बाद आ रहे हैं, जन यू विचार करनो सही जाए कि महाराज बाबे इष्ट में कोई न कोई आपने त्रुटि है, कोई न कोई कमी है। हनुमान जी महाराज एक ईसा देवता है इस संसार रे मां, क्योंकि हनुमान जी ने अलग अलग देवी देवताओं और माता जानकी भगवान राम जी सब हनुमान जी महाराज ने अलग अलग वरदान मिलुड़ा है। तो हनुमान जी ने जागरण की मर्यादा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखियो है कि हनुमान जी के जागरण में साई टूटे फूटे शब्द में किसी प्रकार हो
पण महाराज राम चरित्र मानस रो ही गुणगान होना चाहिए। स्वामी जी महाराज लिखो है हनुमान चालीस हरी चौपाई में प्रभु चरित्र सुनी देखो रसिया। हनुमान जी महाराज भगवान राम जी का चरित्र सुनने रा रसिक स्वरूप है। दूजड़ो चाहे होने या न होने महाराज पण हनुमान जी महाराज भगवान राम जी की कथा है जगी बड़ी प्रेम हो सुने। वो तो एक अदृश्य शक्ति है। हम आपा नदी से तो कौन ई सवार वहां के महाराज हनुमान जी किसी जगह बैठा है पण महाराज स्वामी जी महाराज लिखियो है के जट कोई भी भक्त राम चरित्र मानस रो गुणगान करे तो भी जगह हनुमान जी महाराज किसी रूप में आकर के और बाबू विराजमान हुए। क्यों? वो तो एक अदृश्य शक्ति है। बीरो तो कोई महापुरुष है जगह महाराज अनुभवी करे क्योंकि वो प्रतीक्षा तो महाराज आ को न सके। तो जगी टेम रे मां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखियो है रामचरित्र मानस तरह सात कांड गोस्वामी जी बनाया। अगर आप किसी कांड रामचरित्र मानस भजन गावा महाराज बाबेन तो अति प्रिय है पर सब सुन प्रिय हनुमान जी महाराज ने गोपाल जी सुंदर कांड है। क्यों कबीर मां हनुमान जी महाराज री बड़ाई और बिरदावन हो महाराज जन बिरदावन हो जन हनुमान जी ने तो सराप है ऋषि महात्मा रो हनुमान जी रो बल बिरदाया हूं ही जागे। क्योंकि कवि माधव लिखियो एक छंद में बिरदाया से बल जाग जारी कपी हो गया है संत मती को अरे तेरा भूत भरम सब भाग जा तू भी बद बदरंग बाल जति को। जगी टेम रे मां माता जानकी रो रावण हरण करके पंचवटी और लंका ले गयो। बी टेम रे मां भगवान राम जी सीता जी की खोज रे मां अठे किष्कंधा नगरी आया जटे बाली और सुग्रीव की राजधानी है। और सुग्रीव जी महाराज पांच बांदरों रे साथ रे मां ऋषि मुख पर्वत रे ऊपर रिया करता। हनुमान नल नील और जामवंत और सुग्रीव ये पांच बटे जगह महाराज भी ऋषि मुख पर्वत रे ऊपर रिया करता। क्योंकि सुग्रीव जी महाराज ने भय हो वाली रो भगवान राम जी सीता जी की खोज रे मां और अठे किष्कंधा नगरी रे भी ऋषि मुख पर्वत रे नीचे आया। जन महाराज सुग्रीव जी हनुमान जी ने कह बोले हनुमान ए कुण है पितंबर भेष है कृट मुकुट है और आत्रे मो धनुष बाण है कोई बाली रा भेजूंगा तो दूत तो नहीं आया है। हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज आप जाओ और पतो लगाओ। तो हनुमान जी महाराज बैठे विप्र रो रूप धारण करी वारे वारे बाबा बजरंगी ब्राह्मण रो रूप बना करके हनुमान जी महाराज भगवान राम जी रिकन आया। और भगवान राम जी ने आर पूछे हनुमान जी के महाराज आप कौन हो और क्यों फिरो इवन में। जन भगवान राम जी आप परिचय दियो और भगवान राम जी हनुमान जी ने कहे कह बोले महाराज मारे साथ रे मां मारी वारिया जकी जानकी ही जकीरो लंकापति रावण हरण करके और लंका ले गयो है तो मेरी खोज में फिरा हूं तो अठ आप क्यों मिलना चाहो। जन भगवान राम जी कहे अठे सुग्रीव है हनुमान है नल नील और जामवंत क्योंकि माता सबरीवा ने जो वो पतो बतायो भगवान राम जी ने। जन हनुमान जी महाराज भगवान राम जी ने क्यों कथे अन पहचानो हम भगवान काई छानी बात थी महाराज। जन भगवान राम जी बट कहे के अगर जे असली रूप में वे तो महाराज क्यों नहीं पहचानो। तो हनुमान जी महाराज क्यों आप भी ऋषि मुख पर्वत रे ऊपर देखो। बी टेम रमा भगवान राम जी जो ही नजर ऋषि मुख पर्वत रे ऊपर पड़ी बी टेम हनुमान जी महाराज आप रो जो असली ओरिजिनल रूप हो जो वानर रूप हो वो धारण करके भगवान राम जी के चरणा में पड़िया है और जय सिया राम को सुमरण करियो है। बोले वाला जी महाराज की अठ भगवान राम जी रो और हनुमान जी महाराज रो मिलन हो। अब हनुमान जी महाराज भगवान राम जी ने और लक्ष्मण जी ने दोनों है जो भी ऋषि मुख पर्वत रे ऊपर ले गया है और अग्नि साक्षी मान करके और सुग्रीव जी महाराज भगवान राम जी की मित्रता करवाई और सुग्रीव रे द्वारा भगवान राम जी ने सुग्रीव आपकी पूरी कथा सुनाई
क्योंकि आठेरु जोगो चरित्र जगना पर थोड़ा सुख सूक्ष्म रूप में इला जन महाराज भगवान राम जी बाली वध कियो और किष्कंधा रो जगो राज हो जगो सुग्रीव जी महाराज ने दियो अरे युवराज पद किन दियो के बाली रो पुत्र अंगद हो जके ने चार महीना भगवान राम जी है जगो बठे विश्राम करियो और पीरे वादरे मां सुग्रीव जी महाराज बांदरारी सेना बनाई और सेना बना करके चार दल बनाया गोपाल जी सेना रा चार दल बना करके और चारों दिशा रमा चारों दला ने भेजा है तो जको दक्षिण दिशा में दल गियो पीर मां मुख्य मुख्य बांदरा हनुमान नल नील जामवंत अंगद सुग्रीव ऐसा जगा मारथी योदा जगा मारा दक्षिण दिशा में रवाना वे बी टेमरे मां हनुमान जी महाराज सबसे पीछे रवाना भैया जन भगवान राम जी आप आतरी मुंदड़ी निकाल करके हनुमान जी ने दी है बोले ले हनुमंत आ मारा आतरी है जकी मुद्री का है तन अगर जे माता ज्ञान की रोकठी पतो लागे तो तू भी ने आ मुंदड़ी बताई जो हमारा अविश्वास करी के ओ कोई न कोई भगवान राम जी कनु आयो है। अब हनुमान जी महाराज भगवान राम जी ने शीश नवायो है और हृदय मां ध्यान है जो भगवान राम जी रो करियो है और बांद्रा सारा अटे समुद्र के किनारे आया है तो बटे जटायु रो भाई हो कुण संपाती तो संपातियों भी भेंट हुई और संपाती रे कने क्योंकि गीत रे कने दिव्य दृष्टि हुए भी आपकी दृष्टि हुए जो को महाराज बतायो पतो सीता जी रो तो बट जामन थी महाराज जीता भी बे रीच बांद्रा बाने जामन थी पूछे के भाई थार मऊ कोई लंका है जो को जा सके जन बांद्रा बटे महाराज विचार करके है के महाराज कोई तो कह दस एक योजन जा सका क्योंकि बीच रमा वो चार से कोस रू समुद्र है सो योजन रो और कोई कह बीस योजन पचास योजन बाली रो पुत्र अंगद हो जकेरी बारी आई बी टेमरमा सुग्रीव जी महाराज अंगद जी ने पूछे तो अंगद जी महाराज बड़ी सुंदर बात की है क्यों काटे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किष्कंधा कांड रे मां और बारह चौपाई लिखी है बड़ी सुंदर बात लिखी भी मार मान जीरो बिड़दाऊन आगे करिए महाराज तो गोस्वामी जी लिखे अरे अंगदी कही गाऊं पवन तनाय बल पवन समाना
जीवी वे कै विज्ञान निदाना। ओ कवन सुखादी कठिन जगमाई, कवन सुखादी कठिन जगमाई, जो नहीं हो ही तहत तुम पाही। तेरा में काजी लगी तब आवे तारा, ही भय वो कब ते अपारा। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, भोले बालाजी महाराज की। भोले सियापति रामचंद्र भगवान की। अंगद जी महाराज के सुग्रीव जी महाराज ने और जामत जी ने, अंगद जी कह के अंगद कही जाऊं मैं पारा, और जिए सन से कछु फिरती बारा, मैं क्यों लंका जातो तोरू पण महाराज पाछो आऊं, ई बात की मारकन कोई गारंटी को, क्योंकि ओ बड़ो बारी एक संशय है। क्यों महाराज, बाली रो पुत्र अंगद है जो बड़ो बलशाली योद्धा है, बिन ओ काई बात रो संशय वो क्यों नहीं जा सके, पण महाराज बिन है जो संशय काई। रावण रो पुत्र अक्षय कुमार और बाली रो पुत्र अंगद दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़िया करता, ए दोनों आपरी में जो लड़ता झगड़ता, बो की इर माथे जो महाराज भारी पड़तो, बो इन ठोक तो धमकाव तो मैसार लिए। जन एक दिन वो गुरु महाराज का ने शिकायत लेर गियो, जन गुरु महाराज भी ने जो श्राप दे दियो, क्यों जा जगी टेमर मा थे दोनों आमने सामने हुओ, बी टेमर मा वो बठी भसम हुई। जन अंगद जी महाराज कह लंका जातो तोरू हाँ सर, पण महाराज को नीर अगर जे मन बट अक्षय कुमार मिल गयो तो माड़ा ही हमाचार थाने पद लोग ही दई। इर वास्ती गोपाल जी हनुमान जी महाराज अक्षय कुमार ने एक ने जान में मारियो, क्योंकि बट है जुगो महाराज अंगद जी रस्तो जुगो खुलो करियो। दूसरे राक्षस ने ठोकिया, हनुमान जी महाराज जरूर पूछू पण बाने जुगो जान मारिया को। जन महाराज जामन जी महाराज कह के जामवंत कहे तुम सब लायक, और पट ही नहीं कीमी सब की कर नायक। बोले महाराज आ तो जन क्यों कामरी बात कोंदरी, हनुमान जी जगो एक सेनारे किनारे चुपचाप बैठा। जन महाराज बड़ जामन जी जावे हनुमान जी रिकने, और हनुमान जी महाराज ने जामन जी जाकर के कहे, बोले ही महाराज कहे रीछ पति सुनो हनुमाना, क्योंकि जामन जी रीछ हो रहा है जगह महाराज राजा है, रीछ पति पति के राजा ने कहे रीछ पति सुनो हनुमाना, और के का चुप सा दी रहे हूं बलवाना। ए महाराज थे चुपचाप क्यों बैठा हो, हनुमान जी महाराज रुबल है जो जागियो बोल। जन महाराज जामन जी और कहे है थोड़ा सो काटे एक बो संशय व्या करे, पण बो कोई है जगो यूं लिखित में कठी आवे कोनी, आपनी जकी दांत कथा रमाबा एक कहानी आया करे,
तो ठीक है, थारो प्रश्न तो ठीक है, गलत को नहीं। बाकी राम चरित्र में कटी इसी बात है जो लिखी कौन जन महाराज के जामनसी महाराज कह रही है कहे रीच पति सुनो अनुमाना और के का चुप साधी रहूं बलवाना और पवन तने बल पवन समाना क्योंकि आप पवन रा पुत्र हो और पवन रे समान थारो है जगो बल है पवन तने बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। हनुमान जी महाराज बुद्धि मतम वरिष्ठम है क्योंकि बुद्धि रमा सबसे हनुमान जी आ गए और जितना भी संसार में ज्ञानी है जकारमा हनुमान जी महाराज अग्रणीय है क्योंकि गोस्वामी जी लिखे हुए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो ही हनुमान जी रो बल जागियो को जन महाराज आमन जी फेर के हे बाबा इसो संसार में किसो काम है जगो थे कौन कर सको कवन सो काज कठिन जग माही अरके जो नहीं ओ ही तात तुम पाही। हनुमान जी तो ही टसो मसी को यार जन जामन जी विचार करियो कि आपा जको पासो फेंका बोई है जगो खाली जावे जन लास्ट किनारे री बात कही बड़ जामन जी महाराज जामन जी कहे के राम काज लगी तब अवतारा और सुनत ही भय हुबट प्रवत आकारा। हे महाराज थारो अवतार ही राम जी रे काज रे वास्ते भी हुए आप भगवान शंकर रा 11वां रुद्र हो क्योंकि हनुमान जी महाराज रुद्र अवतार है आज ओ भगवान राम जी रो काज है। इतनी बात सुनता ही और हनुमान जी महाराज रो शरीर है जगो पर्वत आकार लेवन लाग्यो तो अट गोस्वामी जी तुरंत है जगो पंक्ति रमा लिखियो हनुमान जी महाराज रे शरीर रो बट वर्णन करियो भाई बी टेम रमा हनुमान जी महाराज री शरीर की काई शोभाई स्वामी जी महाराज लिखे अरे कनक वरण तन तेज विराज मोरे राम Ooh.
जा मैं बंती में, ओ जा मी बंती में पूछम होई, उचित सिखाव दीजे बालाजी महाराज की। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज रे शरीर गोस्वामी जी बट वर्णन करियो है के कनक वरण तन तेज विराजा। कनक नाम है सोनेरो, कनक वरण वरण के रंग ना। हनुमान जी महाराज रे शरीर जको रंग है जको महाराज जो सोनो चमके नी जो बटे जको चमकन लागियो है। कनक वरण तन तेज विराजा इतो हनुमान जी तन रे माथे शरीर माथे महाराज बड़ा तेज देखियो है। और के मानव अपर गिरी है कर राजा, क्योंकि पर्वतारो राजा कौन है सुमेरु पर्वत। हनुमान जी रो बट शरीर सुमेरु पर्वत रे समान हो गयो। अरे वारे वाह बजरंगी। और हनुमान जी भी सेना रे मां जिसी प्रकार सिंह गर्जे है ज्यू हनुमान जी महाराज गर्जन ला गया है। सिंह नाद करी बार ही बारा और के लीलई नागौ जल नीति खारा। और हनुमान जी बट कह के सहित साय रावण ही मारी और आनव यहां त्रिकूट उपारी। क्यों लंका है जबकि त्रिकूट पर्वत रे ऊपर विद्यमान है। जन हनुमान जी जामन जी के जामवंत में पूछम तो ही और उचित शिखावन दीजे हो। ये जामवंत फुर्ती करो के महाराज। जन जामन जी क्यों डबो बाबा यो कोई थे तो सड़ता ही टोरियो है। जन जामन जी कहे के ए हनुमंत इतना कर ही तात तुम जाई और के सीतई देखी कहूं सुदी आई। थाने इतो ही करनो है के खाली सीता जी रो पतो ही लगा रहा है। हाँ तो के तब निज भुज बल राजीव नेना और कोतुक लागी संग कपि सेना। बट सेना हनुमान जी महाराज री जय जयकार करण लागी है। बोले बालाजी महाराज की। अब महाराज बांध रहे जगह किल कार्या करे उपरानी हाथ करे और बड़ा भारी खुशी भी है के आज हनुमान जी महाराज मारे जगह लंका जाए। तो आठे कवि पीथाराम जी महाराज और पारवा छंद्रे मां लिखियो है। तुला लंगोटो हद बण्यो और मुख में नागर पान। अरे लंका में वानर चले तो कपि अंजनी सुती हनुमान। लाल लंगोटो हद बण्यो रे के मुख में नागर पान। अरे लंका में वानर चले वो अंजनी सुत हनुमान। हनुमान जी महाराज वो बीड़ो है जो उठायो है और लंका जाने की तैयारी करी है।
तो कवि कहीं वर्णन करे देखो। अरे जीवली अरे अनुरे मान बलवान का जसिया बरका सारा बड़े राम के तू ते अंजनी पूत मुदरी का ए दिनी मुदरी का दीनी जी महाराज यो मुदरी का दीनी ए जी मुदरी का दीनी लंकापुर जाऊंगा साल रे लंकापुर जाऊंगा साल सूरत धरे मन में हरस है ए जबरे जाऊंगा खबर अलंकार रंग दीनी अलंकार रंग दीनी वो ए जी अलंकार रंग दीनी जी महाराज यो अलंकार रंग दीनी वरवा जा रहती सीता मात रे बच रहती जानकी मात भी पुष्ट अरबिनी का अरे माँ ताकी खबर लगाऊंगा नहीं जावे का शरमाऊंगा माता की खबर लगाऊंगा नहीं जागता शरमाऊंगा गुण रघुवरी का गाऊंगा रे गुण रघुवर का गाऊंगा रे बल अपना में अजमाऊंगा गुण रघुवरी का गाऊंगा ये जी बल अपना में अजमाऊंगा अरे हाँ बोले बालाजी महाराज की बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। अरे सा बलि हनुमान बलवान के काज सियावर का सारा है बड़े राम के दूत और के अंजनी पूत मुंद्री का लीनी अरे लंकापुर जाऊंगा के मैं चाल सुरत धर लीनी। हनुमान जी महाराज के के मारे मंदिर में बड़ो बारी कोड है उमंग है के आज भगवान राम जी कार्य सुमे जो लंका जा रही हो बड़ी बारी खुशी हुई हनुमान जी महाराज ने मन में है हरस अरे के मैं जबरे लाऊंगा खबर
आ लंका रंग है भीनी और जहां रहती है सीता मात के भी दुष्ट अर लीनी। हनुमान जी महाराज के माता की खबर लगाऊंगा अरे नहीं जावता शरमाऊंगा एर के गुण रघुवर का गाऊंगा तो बल अपना में अजमाऊंगा। भाई मारमा बल पराक्रम की तो है बीरो बीठा पड़ी एर आजो भगवान राम जी रूपी कार्य जगो सफल हो जी। तो अब हनुमान जी महाराज जीता भी बट रीच बांद्रा माने सब ने जगो शीश नवायो है क्योंकि हनुमान जी महाराज अट अपन संकेत करियो है के महाराज कितो भी बड़ो मोटो आपा लोग काम करा पर महाराज आपने हमेशा लिए छोटो बन रहनो चाहिए। जन महाराज के हनुमान जी बटे हृदय रे मां ध्यान भगवान राम जी रो करियो है अरे बावे जोरू किलकारी करी है जय सियारा जय सियारा और बाबो बड़ समुद्र रे किनारे एक बड़ो मोटो है जो पहाड़ है हनुमान जी महाराज भी पहाड़ रे ऊपर चढ़े है और पहाड़ रे ऊपर चढ़ करके और हनुमान जी महाराज निगे करे है कि भाई कई तरीके उस समुद्र है। हाँ तो हनुमान जी महाराज भी पहाड़ रे माथो हनुमान जी छलांग लगाई है इति हनुमान जी तेज छलांग लगाई बल्लू तो हनुमान जी जू ही छलांग लगाई भी पहाड़ रे माथो तो हनुमान जी रे पगा रे पराक्रम सुबो पहाड़ है जो महाराज पताल रे मां बेस जावे री वारी बाबा बजरंगी। अब हनुमान जी महाराज आकाश रे मार्ग चाले है और इन्हें हनुमान जी ने जावता देखे है कण समुद्र तो अट गोस्वामी जी महाराज सुंदर कांड रे मां सोपाई लिखी हो कहवे है अरे जल निधि रघुपति दूत बिचारी ए जल निधि रघुपति दूत बिचारी ते मेला के होई प्रमहारी ए जल निधि रघुपति ओ दूत बिचारी ओ जल निधि रघुपति ओ दूत बिचारी आते में नाती होई प्रमहारी जय सिया राम जय सिया राम हे जय सिया राम 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 जय जय हनुमान। बोले बालाजी महाराज की जल निधि रघुपति दूत बिचारी जल निधि के समुद्र ने महाराज वावी गोपाल जी जल निधि रघुपति दूत बिचारी समुद्र हनुमान जी ने भगवान राम जी रा दूत समझ करके और मेनाक पर्वत में कहे क्योंकि मेनाक पर्वत है जो एक सोनेरो पर्वत है और महाराज भी समुद्र में है जगो विद्यमान है। समुद्र मेनाक ने कहे बोले मेनाक आज थारो है जगो मोको आयो भाई जन बो मेनाक कहे बोले महाराज मैं तो समझो नहीं काई मोको आयो बोले ओ हनुमान देख ले जावे आज लंका अरे भगवान राम जी रो दूत है हनुमान रे पिता पवन देवता थारे माथे बड़ो भारी बीरो है जो को उपकार कर लो है क्योंकि जगी टाइम रे मां इंद्र आ पाड़ आ रही है जगी पांख्या है जगी काटी बी टाइम रे मां महाराज तन है जो को पवन देवता आप रे झोके हूं लार अट समुद्र रे मां रख दियो इर वास्ते थारे माथे बड़ो भारी बीरो उपकार कर लो है आज तू ओ जे फर्ज उतारे जण ओ मोको है। मेनाक हाथ जोड़ के बोली प्रभु मन काई करनो है बोले तू ऊपर जा पानी रे अर ई हनुमान ने कुछ क्षण दे लिए जो को विश्राम दे। तो मेनाक पर्वत ऊपर आयो है और ऊपर आकर के हनुमान जी ने कहे कि हे महाराज आप परमात है जो को विश्राम करो। जन हनुमान जी महाराज मेनाक ने कहे बोले रे भाई हूं भगवान राम जी रे काज रे वास्ते लंका जाऊं अर मन भगवान राम जी रो कार्य करियाऊं पहली कोई विश्राम कोन और तुरंत हनुमान जी इति बात की और हनुमान जी तो तुरंत विचार करियो पाछो बोले ओ मेना के जो को बड़े महाराज साव मोर कोड आयो आप इर माथे जो विश्राम नहीं करके इरो बड़ो भारी आप अपमान कर दियो
तो हनुमान जी भड़काई करे है कि मेनाक पर्वत रे ऊपर आपरो जीवनो हाथ रखियो है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड रे मादोवे में लिखे और कहे है हरि हनुमान ते ही परसा कर हनुमान ते ही परसा करी और पुनी कीन परनाम राम काज कीने बिनु तो भो ही कहा विश्राम हनुमान ते ही के परसा कर करना में आत्रो हनुमान जी महाराज आपरो जीवनो आत्मी मेनाक ऊपर है जगो इस प्रश्न करियो है और महाराज प्रणाम करियो बोले महाराज इतनी थे विश्रामी मान लिया और अब गणो मन है जगो टाइम कोल हनुमान ते ही के परसा कर और पुनी कीन प्रणाम एरके राम काज कीने बिनु और मोही कहां है विश्राम भगवान राम जी रो काज करियो पेली मन कोई प्रकार रो विश्राम कोन तो हनुमान जी महाराज इति बात की मेनाक बड़ो बारी है जो अपनो भाग्य है जगह ने धन्य करियो है और मेनाक वापिस पानी में जावे और इन्हें हनुमान जी आगे छलांग लगाई भी टेमर में 33 कोटी देवता और आकाश मंडल में और महाराज आपातकालीन है जगह अमरदेन सी मीटिंग बैठाई देवता लोग विचार करे के ओ हनुमान है जो भगवान राम जी रो दूत बन करके और लंका जा रही है और जे लंका जार ओ पाछो नहीं आयो तो महाराज इरी जकी अब कीर्ति हुई जकी तो हुई पण की हागे आगे गोत्री गाले जकी महाराज आमने मारवाड़ी में का होता है के कड़ू में न लागे है जगो की सिपटी सिपटी आपन ही पहुंची आए तो देवता विचार करे तो काई करा बोले ई हनुमानरी परीक्षा लेओ तो परीक्षा रे वास्ते बट माता है जगी सुरसा ने तैयार करिए सुरसा है जगी सरपारी माता है और बीरकन बड़ी बारी है जगी महाराज मायावी विद्या ही और बिन कह तू ई हनुमानरी परीक्षा ले देवता कह अगर जे ओ थारू डर दी जन तो लंका जावे कोनी अर थारू नहीं डटी जन पस लंका है जगो खोलो जावन दे इन कोई रोकनी को तो माता सुरसा पट देवता और विटो पावर ले अर आपकी मायावी विद्या अर बड़ी बारी एक निशा शरीर रूप धारण करियो अर हनुमान जी रे तुरंत सामने प्रकट हुई और हनुमान जी ने कह ले भाई हूं तने जगो खाऊं हनुमान जी बटकियो आज बौनी बटाई पेल पोते जगो थारू मैया है अर मिन खानी कोई खाया करे खावे तो चीजा और गणी है बोला नहीं तू ज्यादा बाता में बिलमावने की कोशिश कम कर अर मार नजदीक आ तो बट माता सुरसा रे और हनुमान जी रे बीच में बट कई समाध हुए और अठे रूढ़ चंद जी महाराज कई बात लिखे कई बात बने देखो अरे लंका में जा बन दे मेरे रामा वो ए लंका में जा बन दे मोहे काम जरूरी आज मेरे काम जरूरी मेरे काम जरूरी रंग काम जा हे रामचंद्र जी की सीता नारी आहर ले गयो रावण बलकारी अरे उसका मुझे ही कर है भारी ए पतोरे लगा
तोरे नका बन दे मोहे काम जरूरी लंका में जा बन दे आज मेरे काम जरूरी मेरे काम जरूरी अरे इसी रे काज लंका में जाता ए सीता की सारी सुधी लाता ओ हनुरे मान की सीता माता आ आली सुना पहन दे मेरे राम राम ए आली सुना बन दे मेरे काम जरूर काम जरूरी मेरे काम जरूरी लंका में जा बन दे चाहे वतन ले ले मेरे से आ उल्टा साल रे आऊं तेरे पे ओ कृपा करो करना तेरे पे ए उकमी बजा बन दे मेरे राम राम ए उकमी बजा बन दे मोहे काम जरूरी लंका में जा बन दे आज मेरे काम जरूरी मेरे काम जरूरी हनुमत बोले लाखों वाणी ए सुरसादार एक नहीं मानी अरे रूड़े चंद कहे मन से लानी ए आरि गुण का बन दे मेरे राम राम ओ आरी गुणिका बन दे मेरे काम जरूरी लंका में जा बन दे आज मेरे काम जरूरी बोले बालाजी महाराज की बोले सियापति रामचंद्र भगवान की अरे सर हनुमान जी महाराज के बोले मैया
रामचंद्र जी की है सीता नारी, अरबो हर ले जो रावण बलकारी, और के उसका मुझे फिकर है भारी, अरे तू मन पतो लगावन दे, अरे मोहे काम जरूरी के लंका में जाने दे। तो माता सुरसा नहीं मानी है तो हनुमान जी महाराज भटके है के ए मैया इसी काज लंका में जाता, मारे और कोई दूसरो काम कोनी, मैं भगवान राम जी रो कार्य लेकर के लंका जा रही हूं, इसी काज लंका में जाता, अरे के मैं सीता की सारी शुभि ले आता, और वह हनुमान की है सीता माता, अरे तू मन भगवान राय जगह हाल सुनावन दे, अरे मोहि काम जरूरी के लंका में जाने दे। तो सुरसा हरगज जी नहीं मानी, जन हनुमान जी महाराज के बोले माता एक काम कर ले, बोले काई कच्चाई वचन ले ले मेरे से, मैं तन वचन देऊं के पाछो गिरती टेमर मा आऊं, बी टेमर मा तू ए जगो खाली गाव गाल दी जो भी करी। जन सुरसा देख हनुमान जी ने क्यों बोले मनी बनावे, बोले किया क्यों पाछो गिरतो तू मार कनाई, हूं तन कोई पट्टू थोड़ी ओडाऊं जो तू मोत्रे मुंडे माई। हनुमान जी कहे आ मारी कोई रीति को नहीं, आ मारा आराध्य इष्ट भगवान राम है, बारे दादा परदादा मारी रीति है, रघुकुल रीति सदा चली आई, और के प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, प्राण जाता रहे पर वचन को जावे नहीं महाराज। चाहे वचन ले ले मेरे से, और के उल्टा चाल आऊं तेरे पे, हे माता कृपा करो ई चरणा तेरे पे, मैं थारे चरणा रो चेरो हूं, चरणा रो दास हूं, तेरे मर माते कृपा करो, और मैं भगवान रो हुकम ले जाऊं, जो क्यों नहीं बजाऊं दे तू मने। सुरसा नहीं मानी, जन अटरूर चंद जी महाराज लिखे के हनुमत बोले लाखों वाणी, अरे सुरसा नार एक नहीं मानी, अरे अरूर चंद कहे मन है सैलानी, अरे तू मन हरि गुण गावण दे, मोहि काम जरूरी के लंका में जाने दे। तो बट सुरसा हनुमान जी ने आपकी मायावी विद्या राज जगह कही तरीका दिखाने लगी है, तो सुरसा का ही करियो है कि आप प्रो जगो शरीर है जगो आपकी मायावी विद्या हूं, एक जोजन में करियो है, एक जोजन में चार कोष है, सुरसा है जगो महाराज चार कोष रे मां हुई। तो हनुमान जी भी ने देखी जन विचार करियो, बड़ो काम तो आप इड़ हुई हेंट हुई है, यहां पा मोलाली बात तो कौन गया। हाँ हनुमान जी महाराज ने गोपाल जी अष्ट सिद्धि और नव निधि रो वरदान तो माता ध्यान की हनुमान जी बाग में गया, अभी टेम में दियो भी हूं। पहला हनुमान जी रिकने हनुमान जी रा गुरु है कौन, सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान हनुमान जी ने कने 27 प्रकार की जकी सिद्धियां है जकी हनुमान जी रिकने प्राप्ति, तो हनुमान जी भी सिद्धि रे द्वारा, अर हनुमान जी माता सुरसंग में जगह डबल हुए है, और अटरूर चंद जी महाराज कहीं लिखे और कहीं बात आवार के गोसा। अरे हनुमते कोरे खान चली है चली है, बजरंग कोरे खान चली है, ए भाई ओ सुरसा भरे अंकार में, प्यारे सुरसा भरे अहंकार में, हनुमत को खान चली है, अरे दो जन एक नारी तन धारा, अरे दो जो जन भाई पवन कुमारा, दो जन एक नारी तन धारा, अरे दो जो जन भाई पवन कुमारा, ए सुरसा क्रोध किया रे अतिवारा, ओ सुरसा क्रोध किया अतिवारा, हो गई जो जन प्यारे में खाने की ये मसली है, खाने की ये मसली है, हनुमत को खान चली है, अरे हाँ। Thank you.
वो आठ जोजने में कपि हनुमंता। अरे सुरसा सोड़ा भैरे तुरंता आठी जोजने में, अरे कपि हनुमंता ये सुरसा सोड़ा भैरे तुरंता। अरे बतीसी जोजन में कपि बलवंता, ओ बतीसी जोजन में कपि बलवंता, ए नहीं आया संगार में ऐसा हनुमान बलिय बलिय, ऐसा हनुमान बलिय हनुमत को कान कलिय। अरे बदन बदावे नारी, अरे उनसे दुगना होए बलकारी। जो जो बदन बदावे नारी ये उनसे दुगना होए बलिकारी। ओ सुरसा क्रोध किया रे अति भारी, ए सुरसा क्रोध किया अति भारी। अरे अब खाऊंगी मार के कपि के गल बात गलिय गलिय, कपि के गल बात गलिय हनुमत को कान कलिय। अरे हाँ आसो जो जने मुख कर लिया छिने में, अरे चली अब नारी रोस भर तन में। सो जो जने मुख कर लिया छिने में, ए चली अब नारी रोस भरी तन मेरा। ए हनुमत ऐसी सोची मन में, हनुमत ऐसी सोची मन में। अरे अब निकलो कछु पार दी, आसी भी पड़ी गली है गली है, आसी भी पड़ी गली है हनुमत को काने चली है। अरे हाँ बनाया तुरती करी, ए भीतर बढ़ कर आया तुरत कर सूक्ष्म रूप। ए बनाया तुरती करी, ओ भीतर बढ़ के आया पूरती करी रा। ओ रूड़े चंद कहे ए जरा सुरती करी रा, ओ रूड़ी चंद कहे जरा सुरती करी। ओ चितला वो करे तारे ने कर पुरती नार सलीय सलीय, करे पुरती नार सलीय मत को आने चलिए। अरे हाँ बोले बालाजी महाराज की, बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम। रूढ़चंद जी महाराज लिखे है,
सुरसा भर अहंकार में के अनुमत को खान चली है बटकी थोड़ी गणी और सुनाई। जय महाराज के जो जन एक नारी कन धारा जन दो जोजन भाई पवन कुमारा हनुमान जी भी डबल हो गया। जन महाराज के सुरसा क्रोध किया अति भारा अरे बा हो गई जोजन चार में अरे भी खाने की ये में सली है सुरसा पर अहंकार में कह अनुमत को खान चली है। जन महाराज के आठ जोजन में कपी हनुमंता और सुरसा सोलह भाई ही तुरंत हनुमान जी ने आठ जोजन में देखा और सुरसा है जगह महाराज डबल होगी हनुमान जी सोलह जोजन रे मां हुई है तो हनुमान जी भी डबल हुई है। बत्तीस जोजन में के कपी बलवंता अरे वो नहीं आया सेंगार में बाबो ऐसा हनुमान बली है अरे सुरसा पर अहंकार में के अनुमत को खान चलिए। जन महाराज के जू जू बदन बधावे नारी उनसे दुगना होवे है बलकारी जू ही सुरसा आपो शरीर बढ़ावे हनुमान जी भी वह जगह डबल हुए। जन महाराज के सुरसा क्रोध किया अति भारी अरे अब खाऊंगी मार के एबा कपी के गल बात गली है हनुमान जी बार कर कांकी बीड़ी अर हनुमान जी चौड़ा बदिया भाई जी मशक बदे जो एबा कांकी जगी छूटी और सुरसा ने बड़ी बारी रीस आई तो अठे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्योंकि महाराज अपना जगह कलजुगरा जगह भगतानी जगह ई बातान की मानन ने भगवान भाई की कम त्यार हुआ जन स्वामी जी महाराज इ प्रमाण रे वास्ते महाराज अठे राम चरित्र में चौपाई भी दी है। स्वामी जी महाराज कह अरे सत जो जन ते ही आनन ही सूरन जही लागी पटा
बल मरे मुँह तोरी ने बुद्धि बली मरे मुँह तोरी ने मोरे बालाजी महाराज की बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी जी लिखे है सत जोजन ते ही आनन कीना। सत के संस्कृत में सोने और आनन के मुखने महाराज हम हगलाई भगवान भाइयों के गजानंद गौरी के नंदा ककू कह तो महाराज गौरी का नंदा तो है नंद पुत्र ने कहे पण एक भजन आया करे पुराने टाइम रो प्राचीन भजन है सभी गाया करे आपा सब बूढ़ी गावतार आपा लोग भी गावा क्योंकि नंद मन पुत्र हुए और गज मन महाराज आती वे गजानंद भूत गणादि सेवितम के हालांकि है कोई गजाननम भूत गणादि सेवितम नन के मस्तक ने यानी कि आनन आनन के मुख ने महाराज इरवास्तर स्वामी जी महाराज लिखियो है के सत जोजन ते ही आनन कीना और अति लघु रूप पवन सुत लीना। जुई भी सुरसारो हनुमान जी महाराज मुख है जगो सो जोजन में देखियो तो हनुमान जी बड़े बुद्धियों काम लियो भी अम मोको मुंडो है जुई भी कानेर लो कोट दरवाजे जुई पड़ियो महाराज जन हनुमान जी बड़े सूक्ष्म रूप धारण करियो अर माता सुरसारे जगो उधर में गया बदन पैठी पुनी बार आवा अर मांगा विदाता ही सिरुनावा। हनुमान जी वापस आकर माता ने हाथ जोड़ प्रणाम करी बोले माता हम क्यों विलंब करे महाराज जन सुरसा पासी आपकी ओरिजिनल रूप में आई और हनुमान जी ने कहे हे हनुमंत मैं कोई राक्षसी कोनी मोही सुरन देही लागी पठावा मन देवता लोक है जगो थार वास्ते भेजी परीक्षा वास्ते बुद्धि बल मरम तोर में पावा मैं थारो बुद्धि बल इरो मरम है जगो जान लियो महाराज तन संसार में कोई रोकनी को। अब माता सुरसा हनुमान जी ने बड़ा आशीर्वाद दिए गोस्वामी जी लिखे राम काज करियो तुम्हें राम काज करियो तुम्हें और बल बुद्धि निदान आशीष दे गई सो तो अरसी चले ओ हनुमान। माता सुरसा कहे हे हनुमंत तू भगवान राम जी रो काज है जो कर रही होड़ा ना मारा इरमा कोई फर्क कौन विश्वा विश कर रही राम काज करी हूं तुम्हें बल बुद्धि निदान अरे आशीष दे गई सो तो अरसी चले ओ हनुमान। ऐसी आशीर्वाद देकर के माता सुरसा पाची देवलोक में आई और देवता ने आर बधाई दिए बोले चिंता मत करो भी हनुमान ने कोई रोकनी हो कौन महाराज देवता लोग बड़ा भारी खुशी हुई है और अब हनुमान जी महाराज भी समुद्र रे उपकर है जो आगे छलांग लगाई है जुई बीचो बीच आया तो जीते रोड़ो कुछ मीठो थोड़ी हो महाराज समुद्र रे मज धार रे मां बीचो बीच हनुमान जी री क्यों वेट वे सिंह का तो हनुमान जी रे और सिंह सिंह कर बीच में कहीं समाद हुए है अठे कवि पिता राम जी महाराज कहीं लिखे और कहीं बात बने हैं बोले बालाजी महाराज की बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय।